हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज एलएमवीटी। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू डिफरेंशियबल फंक्शन, बी द टू डिफरेंशियल फंक्शन, टू डिफरेंशियल फंक्शन इन आर, ठीक है, एंड एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 8, ठीक है, और दे रखा है एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 10 और जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एंड जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। देन प्रूव दैट g dash x is equal to 4 times f dash x for at least 1x belonging to 2, 4। करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन ने बोला था कि रोलीज थ्योरम में हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लो किसी फंक्शन का प्रूफ करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, तो हम क्या करते थे, उसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन लाते थे, उस पे एलएमवीटी लगा, सॉरी रोलीज थ्योरम लगाते थे हम, ओके। सो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है इज इक्वेलेंट टू, ये चीज प्रूफ करनी है जी डैश एक्स माइनस 4 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ये चीज प्रूफ करनी, मतलब इसका रूट ये जीरो हो रही है कम से कम एक एक्स के लिए, दैट मींस व्हाट, इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, उसको मैंने एच एक्स माना और उसके ऊपर मैंने रोडीज थ्योरम लगाया। तो मैंने बोला लेट एच ऑफ एक्स, अब इसको माइंड में कैलकुलेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, किसका डेरिवेटिव है, जी एक्स माइनस 4 एफ एक्स का। तो मैंने एच एक्स को यह मान लिया। अब मैं बोलूंगा अप्लाइंग रोलीज थ्योरम आर टी इन या फिर ऑन एफ एक्स, ऑन एच ऑफ एक्स के ऊपर रोलीज थ्योरम लगाएंगे फॉर द इंटरवल 2 से 4 में एच एक्स पे अपना लगाते हैं हम रोलीज थ्योरम। तो एफ और जी दोनों डिफरेंशियबल दे रखे हैं, तो मतलब जिनका जो एड सब्ट्रैक्शन होगा वो भी डिफरेंशियबल होगा। तो जो रोलीज थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज फंक्शन शुड बी डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूअस, वो तो है एच एक्स। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, एक और रिक्वायरमेंट होती है कि एच ऑफ ए शुड बी इक्वल, मतलब एफ अगर एफ के ऊपर लगाते हैं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एच ऑफ ए कितना आ रहा है, मतलब एच ऑफ टू कितना आ रहा है। तो एच ऑफ टू कैसे निकालेंगे, इसमें रख देते हैं एच ऑफ टू इज व्हाट, जी ऑफ टू माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ टू। अच्छा, जी ऑफ टू मेरे को दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, जी ऑफ टू इज 0, तो 0 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ टू दे रखा है क्या, तो एफ ऑफ टू इज 8, तो दे रखा है, तो दिस इज माइनस 32। अब हमने एच ऑफ बी निकाला, एच ऑफ बी मतलब बी का काम कौन कर रहा है, ए से भी लगाते हैं रोलिंग थ्योरम, तो बी बी इज 4, तो एच ऑफ बी निकाला, तो एच ऑफ बी इज एच ऑफ 4, दैट इज जी ऑफ 4 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 4, तो जी ऑफ 4 इज 8, 8 माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 इज 10, एक मिनट, एफ ऑफ 4 इज 10, अच्छा ये 4 है, सॉरी ये 4 है, ठीक है, दिस इज 4, तो इधर से क्या बोला 8 माइनस 40 विच इज अगेन माइनस 32। अब मैं बोल दूंगा कि एच एक्स जो है वो हमारी रोल इज थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर एक्स की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 2 और 4 के बीच में, सच दैट एच डैश एक्स विल बी 0, और एच डैश एक्स होगा क्या हमारा, यही चीज, क्योंकि इसी को तो इंटीग्रेट करके लेके आए थे हम, हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इज 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग्स टू 2, 4, ठीक है। तो इतना कुछ करना पड़ा। अब हम इसका एक शॉर्टकट देखते हैं, तो शॉर्टकट के लिए हमने क्या किया, इस पे वाला थ्योरम लगाया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो पहले कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था सीएमवीटी का, कि अगर f और g दो डिफरेंशियबल और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f डैश x या फिर f डैश x अपॉन g डैश x या फिर f डैश c बोल दो इसको, चलो f डैश c अपॉन g डैश c किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन
जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ऐसे बोल लो या फिर बोल दो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स फॉर सम, सॉरी फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी. दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू प्लग कर देते हैं तो एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, हमें रोलिस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा. देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा हूं फॉर द इंटरवेल 2 to 4. तो ये हो जाएगा एफ फोर माइनस एफ टू अपॉन जी फोर माइनस जी ऑफ टू. सो ये हो गया मेरा एफ फोर इज 10 माइनस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू इज 8 अपॉन जी ऑफ 4 इज 8 माइनस जी ऑफ 2 इज 0. सो इधर से कितना मिला, 10 माइनस 8 इज 2 बाय 8 विच इज 1 बाय 4. ये आया क्या हमारा एफ डैश अपॉन जी डैश. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू जी डैश एक्स. तो देखो यही प्रूफ करना था, आ गया एक ही लाइन में. ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि जैसे मान लो उसने ऐसे बोल दिया इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डैश, फाइंड द लैम्डा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन. तो उधर थोड़ी पता है एग्जामिनर को कि हमने भाई रोलीज थ्योरम से किया है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से किया है. हाँ, अगर मान लो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता जेई में और फिर मुझे मान लो करना होता तो डेफिनेटली आई विल नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है ही नहीं जेई सिलेबस में. बट रोलीज थ्योरम तो है ना, तो रोलीज थ्योरम से सब्जेक्टिव होता तो रोलीज इज प्रेफरेबल. प्रेफरेबल क्या, वही मात्र ऑप्शन है. और अगर जेई ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, बेसिकली आरएमवी जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है रोलीज थ्योरम. हम आएंगे इसके ऊपर बाद में. ठीक है, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट एलएमवीटी. तो कॉपी करो इसको, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. नाउ लेट्स मूव टू द एलएमवीटी. जैसे कि मैंने बोला जितना इंपॉर्टेंट रोलीज थ्योरम है उतना ही इंपॉर्टेंट एलएमवीटी है फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले. एलएमवीटी तो मैंने शॉर्ट में बोला, एलएमवीटी फुल फॉर्म हो गया लैग्रेंजेस, एल ए एन जी आर ए एन जी एस, लैग्रेंजेस बोलते हैं. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. मैं लिखो स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी एंड differentiable and differentiable in open interval a comma b. अगर मेरा function fx continuous है close interval a comma b and differentiable है a comma small a, open interval a comma b. तो इतना तो खैर Rolle's theorem का भी था. अब क्या कर दिया इसने, थोड़ा conditions को और relax कर दिया. Lagrange's जो LMETS की केवल यही दो requirement है FX के ऊपर. उधर क्या थी हमारी इसके साथ साथ additional information, additional requirement क्या थी Rolle's की, f of a equals to f of b, वो इधर नहीं है. ठीक है, तो मैंने बोला if FX is continuous in this and differentiable a comma b, then there exist at least one c belonging to a comma b such that, अब देखना क्या claim कर रहा है, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. very important, बहुत ज्यादा important है advance के लिए. इसको समझेंगे अभी हम क्या है, पहले तो statement अच्छे से दिमाग में बिठा लो. देखो condition तो वही वाली है, बस इसमें relax कर दिया थोड़ा, conditions को और कम कर दिया. तो इसने बोला कम से कम एक सी मिल जाएगा such that f dash c is equal to f of b minus f of a. ठीक है, अच्छा अब हम इसको समझते हैं basically है क्या. तो देखो graphically समझते हैं. तो let's say मेरा curve है ये, लेट से ये मेरा ए है, तो मेरा ये हो गया एफ ऑफ ए, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए. लेट से दिस पॉइंट इज बी और इस पे मेरा फंक्शन का वैल्यू हो गया एफ ऑफ बी. ठीक है, अब थोड़ा सा और कर्व भी बनाता हूं मैं थोड़ा सा, सो दैट और दिक्कत नहीं होगी देखने में. चलो ये ठीक है, अब ध्यान से देखो एफ डैश सी मतलब क्या है बेसिकली. एफ डैश सी इज व्हाट, एफ एक्स का स्लोप एट पॉइंट सी. तो ये क्या है बेसिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा और ये चीज क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. आई विल से दिस इज व्हाट, ए और बी पॉइंट को, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ए, बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी कॉमा एफ बी. तो जो आर एच एस में लिखा है ना, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट, मतलब ज्वाइनिंग ए एंड बी.
देखो ध्यान से, तो डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा? सिंपल आई क्यू है कि अगर मान लो ये कॉर्ड तो फिक्स हो गई, ए और बी फिक्स हो गए, तो मतलब कॉर्ड फिक्स हो गई। अब ऑफ कोर्स क्या होगा कि मुझे मेरी जो कर्व की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल, मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो देखो अब खुद सोचो कि मैं लेट्स से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, जब मैं ए से स्टार्ट करूंगा टेंजेंट ड्रॉ करना, तो इधर देयर विल बी ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो टेंजेंट होगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, एंड दिस इज द नथिंग बट रिक्वायर्ड सी, दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड सी, जिस जगह एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। गेटिंग इट? अच्छा देखो, बेसिकली ये जो है ना, ये जो सॉरी हमारा रोलीज थ्योरम था, दैट वाज स्पेशल केस ऑफ दिस। क्यों स्पेशल केस? क्यों? क्योंकि उधर क्या था, एफ ए एफ भी बराबर था, तो खुद देखो एफ ए एफ भी बराबर होगा तो ये वाली साइड जीरो हो गई, तो आगे एफ डैश सी जीरो। तो रोलीज थ्योरम इज व्हाट, स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। इसका मतलब हमारा रोलीज थ्योरम हम नहीं भी पढ़ते तो भी हमारा काम चल जाता, बिकॉज दिस इज मोर जनरलाइज्ड। सोचो अगर एफ एफ भी बराबर हो गए तो डायग्राम में क्या हुआ हमारा, लेट्स से दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज एफ ऑफ ए, एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड दिस इज एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, जीरो होगा। दैट मीन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, या फिर ऐसे बोल सकता हूं ए और बी पॉइंट ज्वाइन करने वाली कोड का स्लोप जो है वो जीरो है, तो एक ना एक टेंजेंट मिल जाएगा उसके पैरेलल, मतलब डेरिवेटिव इज जीरो। सो लिख लो, अगर नोट करके लिखना है तो रोलीज थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी वेयर माय एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। लिख लो रोलीज थ्योरम, नोट करके, रोलीज थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी वेयर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये एडिशनल था उसमें, अगर ये था तो इसलिए हमारा एफ डैश जीरो आ रहा था। As simple as this. Getting it? अच्छा, अब मैंने बोला ये जो इसने क्लेम क्या किया, ये तो हमने मैथमेटिकली लिख लिया कि f dash c should be equals to fb minus fa upon b minus a. अब इसी assertion को, claim को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पॉज करो वीडियो, पहले तो इतना कॉपी करो क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो क्लेम किया है ना इसने, इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? Whatever he has claimed, we will write this in language form. तो क्या लिखूंगा मैं, there exists at least one c, क्या करूंगा वही fx is continuous differential, condition तो वही है। assertion मैं बोल रहा हूं कैसे और दिया जा सकता है इस statement का, assertion कैसे, मतलब claim जो कर रहा है ये, वो कैसे दिया जा सकता है कि there exist at least one c belonging to a comma b such that tangent at c is parallel to chord joining endpoints, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं there exists at least one c for belonging to a comma b such that slope of tangent is equal to slope of chord, slope of tangent is equal to slope ऑफ कॉर्ड। कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना, कई तरीके से बोल सकते हैं। बाकी एक और तरीका है ऐसे बोलना, याद है अपन ने इस टाइप का पढ़ा था कुछ, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज डेल्टा y upon डेल्टा x, और एक होता है हमारा dy/dx के किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज को, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज व्हाट अपना इंक्रीमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट इन x, मतलब एवरेज रेट चेंज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयर विल गेट एट लीस्ट वन सी फॉर विच एवरेज रेट चेंज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, दैट मे ऑल्सो वी कैन टेल, ठीक है ना। इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन नोट इट डाउन दिस ऑल्सो, बट एज सच नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, इसने एक सी बोला है, दो सी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे हम डायग्राम से समझे इसको, दो सी को देखना कैसे, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी। अब मैं क्या किया, ऐसे गया इसके ऊपर, ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिख रहा है अब मुझे, जैसे थोड़ा सा और इसको ऐसा बनाता हूं मैं, सो दैट ठीक लगे थोड़ा। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। अब मैंने बोला कि अब दो सी मिल रहा है मुझे, देखो ध्यान से, ए बी कॉर्ड तो ये है मेरी। अब मैं दो सी लोकेट कर रहा हूं इस डायग्राम के हिसाब से, वेयर माय टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कॉर्ड। देखो, एक तो ये सी ए मिल गया और एक ये सी मिल गया, मतलब दिस इज माई सी वन एंड दिस इज माई सी टू। मतलब उसका कहने का मतलब एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, कर्व क्या है,
आई होप समझ में आएगा, तीन हो रहे हैं तो एक और कर्व बना दो, ऐसे कर दो, लेट से ऐसे कर दो, ये लो एक दो तीन, तीन टेंजेंट मिल गए जो इस क्वाड के पैरेलल है, लाइक दैट वे कम से कम एक तो मिलेगा। कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, सॉरी डिफरेंशिएबल तो ओपन में चलेगा लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b। आई होप समझ में आया होगा। चलो अब हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बोर्ड लेवल का, एंट्री लेवल का देखते हैं पहले, तो फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। Verify LMVT example is verify LMVT for y is equal to x cube minus x in the interval 1, 2। इस इंटरवल के अंदर हमको इस पे LMVT वेरीफाई करना, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोर्ड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो हम बोलेंगे जो fx है y is equal to fx that is x cube minus x, this is a continuous polynomial है तो continuous होगा, differentiable होगा, तो इसके ऊपर हम LMVT लगा सकते हैं। तो LMVT लगाएंगे इस इंटरवल में, तो a का काम हो रहा है a करेगा, b का काम 2 करेगा, तो उसने क्या क्लेम किया था, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, उसने बोला एक c ऐसा मिल जाएगा जब ये दोनों चीज बराबर होंगी, तो देख लेते हैं इससे हमें c मिल रहा है क्या नहीं, और वो c उसी इंटरवल में आना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा। तो f dash c, तो पहले मैंने f dash c निकाला, तो ये होगा 3c square minus 1, देखो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया y dash, कितना आया 3x square minus 1, x ये c रखा 3c square minus 1, this is equal to f of b मतलब f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1। अब f 2 कैसे आएगा, इसमें 2 रखेंगे हम, तो हमें ये मिल जाएगा 2 2 4 2 8 8 minus 2 6 minus f of 1 कितना हो जाएगा 1 minus 1 0 upon 2 minus 1, तो फाइनली हमें इधर से मिला 3c square is equal to 6 upon 1 मतलब, और इधर से plus 1 उधर चला गया तो 7, तो c हमें मिला plus minus under root of 7 by 3। अब देखो माइनस वाला तो acceptable नहीं होगा क्योंकि इस इंटरवल में नहीं आ रहा, बट जो दूसरा c है that is plus under root 7 by 3, of course ये किस इंटरवल में आ रहा है, 1, 2 में आ रहा है, 2 से छोटा है, hence रोलीज थ्योरम है, सॉरी LMVT इज वेरीफाइड, सी इस इंटरवल में के अंदर आ गया, जो उसने क्लेम किया था वो प्रूफ कर दिया हमने, हेंस LMVT इज एप्लीकेबल, वेरीफाइड मतलब, समझ में आया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फंक्शन, बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 8x² - 7x + 5 ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल -6, 6। कंसीडर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ सी, फाइंड value of c that satisfies the conclusion of LMVT, मतलब basically हमें c निकालना है, मतलब ऐसे भी आता है question find the value of c of LMVT, ठीक है, तो start करते हैं, तो क्या करें, दिख रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में LMVT लगा देते हैं। तो पहले तो मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया f dash x, कितना आया ये 16x - 7, ठीक है, तो f dash c कितना हो गया, c रख दिया x की जगह, तो 16c - 7। अब रोलीज थ्योरम, सॉरी LMVT क्या बोलता है हमें कि f dash c शुड बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ b मतलब f ऑफ 6 माइनस f ऑफ -6 fb minus fa upon b minus a, तो 6 minus of minus 6। अब देख लेते हैं इससे 6 c की वैल्यू कितनी आती है, तो लेट्स डू 16c - 7 इज इक्वल टू, अब हम इसमें 6 रखेंगे, तो 6 रखोगे तो क्या आएगा देखते हैं, तो 6 6 36 36 into 8 8 6 48 8 से 24 28 288 minus 7 into 8 48 56,
तो ये हो गया 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3, 2, 232 प्लस 5, आई थिंक देख लेना एक बार, वैसे तो करेक्ट ही लिखा है, 237, तो 237 माइनस, अच्छा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि इधर भी माइनस 6 है ना, चलो कर लिया कोई बात नहीं, कर लिया आप तो, वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि 8x स्क्वायर, चाहे x 6 डालू चाहे माइनस 6 डालू, माइनस के बीच में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इट्स बेटर टू राइट इट दैट वे, एक काम करो ऐसे लिखो 8 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 प्लस 5, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन बचाने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि 8 इंटू x स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होने वाला है, 6 और माइनस 6 डालेंगे बीच में माइनस है, ठीक है ना, ओके दिस माइनस एफ ऑफ माइनस 6, तो 8 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 6 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 12, तो देखो 8 इंटू 6 स्क्वायर और 8 इंटू ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 5 ये भी कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ ऊपर माइनस 7 इंटू 6 और ये भी माइनस 7 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 6 विथ नेगेटिव साइन अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 16c माइनस 7, तो ये 2 और 6 12 से कैंसिल हुए, माइनस 7 कैंसिल हुए, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ c इक्वल टू 0, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज c इक्वल टू 0, गेटिंग इट, सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, एंट्री लेवल क्वेश्चन है एलएमवीटी का, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा थियरी और बताऊंगा, कुछ इनइक्वालिटी से रिलेटेड थियरी है, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन इज लिखो, लेट एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, लेट एफ इज डिफरेंशिएबल, let f is differentiable for all x full stop if f of 1 equals to minus 2 and usne de rakha hai is type ka g advance वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं मतलब not as simple but इस type का concept use होगा f dash x greater than equals to 2 for all x belongs to 1 comma 6 Then find range of values of f6. f of 6 की रेंज निकाल दिया मुझे ठीक है तो करो वीडियो पॉज और एक बार ट्राई करो ठीक है अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन तो f is differentiable for all x if f of 1 is minus 2 and this तो क्या करें differentiable है function तो of course continuous तो होगा ही होगा तो हमने क्या किया applying LMVT किसके ऊपर on fx in the interval 1,6 ठीक है इन इंटरवल 1,6 तो क्या बोलूंगा डिफरेंशियबल है कंटिन्यूअस है तो एलएमवीटी लगा सकता हूं तो मुझको एक सी मिल जाएगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ये फुलफिल होगी कंडीशन अच्छा तो इसको देख लेते हैं एफ ऑफ बी कितना है एफ ऑफ बी मतलब तो वो तो निकाल एफ बी मतलब एफ ऑफ 6 तो इधर एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 1 इज माइनस 2 तो माइनस 2 अपॉन बी माइनस ए तो बी माइनस ऑफ माइनस टू दिस इज वॉट माई एफ डैश सी ठीक है अब मुझे क्या करना है ध्यान से देखो क्वेश्चन को एक मिनट एफ ऑफ बी बी तो इधर रख देते हैं ना 6 दिस इज 6 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए अब उसने दे रखा है ये चीज कि उसका डेरिवेटिव है ना उस फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर हमेशा 2 या 2 से बड़ा है तो ये भी वही चीज है हमारी इसका मतलब क्या है कि f dash c जो होगा that is derivative of fx at some c in the interval 1,6 तो definitely this quantity will be greater than equals to 2 तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा f6 का रेंज मिल जाएगा तो देख लेते हैं क्या आता है तो सॉरी ये गलत लिखा है मैंने एक मिनट 1 है ये ठीक है ना दिस इज 1 एक मिनट सॉरी दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ वन इज माइनस टू ये माइनस टू है अपॉन बी माइनस ए बी इज 6 ए इज 1 ये 1 आएगा नीचे ठीक है ना करेक्ट कर लेना उसको 1 आएगा नीचे ठीक है तो हमें क्या मिला देखते हैं इधर से तो एफ ऑफ 6 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5 5 इंटू 2 इज 10
तो फाइनली हमें मिला कि जो एफ सिक्स होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 8 से इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ सिक्स। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट इस टाइप का पहले भी एडवांस में इस टाइप की चीज आई हुई है, ठीक है ना, दैट यू कैन सी इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाले पार्ट पे। ओ लाइट वेंट, जस्ट लेट मी ओपन द डोर, लेट मी चेक इट आउट कि दिख रहा है या नहीं। इट इज विजिबल समवॉट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में एक काम करेंगे हम, वो इनइक्वालिटी वाला पार्ट कर लेंगे क्योंकि लाइट आने के बाद। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक, बेस्ड ऑन जो अभी पढ़े उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, लिखो क्वेश्चन यूजिंग, ओ आ गया लकी। चलो क्वेश्चन लिख दिया तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यूजिंग LMVD प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस ऑफ स्मॉल ए माइनस कॉस ऑफ स्मॉल बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। We have to prove this using LMVD. करो एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो FB माइनस FA देख के मैं इसे नोट में ही लिखवाने वाला हूं इस चीज को, कि जब भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होंगे उसमें मेरे को मतलब FA माइनस FB टाइप की चीज दिखाई दे तो आई शुड थिंक ऑफ LMVD, ठीक है ना। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग। तो इसको मैंने देखा cos A माइनस cos B टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो हमने क्या किया, एक खुद से फंक्शन अज्यूम किया, लेट f of x is equal to cos x। अब हमें पता है कि जो cos x है that is continuous and differentiable everywhere, तो of course a और b में भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस f x के ऊपर LMVD लगा रहे हैं in the interval a, b, applying LMVD on f x in the interval a, b। इस इंटरवल के अंदर हम LMVD लगाते हैं। तो LMVD का स्टेटमेंट क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, या फिर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी लिख लो, कैसे भी लिख लो, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए तो हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब एफ एक्स हमने इसको माना है कॉस एक्स को, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या आएगा एफ डैश एक्स कितना आया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अच्छा तो एफ डैश सी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन सी। अब खुद सोचो कि ये चीज मैं कैसे लेके ऑब्टेन कर सकता हूं, यू हैव दिस रिजल्ट एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी इज माइनस साइन सी। अब हमें पता है कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है sin x का, तो माइनस साइन एक्स का ही मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा, गेट इट। अब ये चीज इसके बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका भी क्या होगा मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो वही चीज लिखी है, एफ ए इज व्हाट cos a माइनस एफ बी इज cos b, मैग्नीट्यूड नीचे वाले मैग्नीट्यूड को उधर लेके गया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, हेंस प्रूफ्ड। सोचो एक दो लाइन का प्रूफ था, गेटिंग इट। चलो अब एक आध नोट लिखते हैं इनइक्वालिटी के बेसिस पे और फिर हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड, कॉपी करो इसको। पहला नोट तो यही है कि कभी भी प्रूफ दैट के क्वेश्चंस वगैरह आया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली इनइक्वालिटी, कभी भी मतलब क्वेश्चन आता है कोई, अगर तुम्हें उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे एफ ए माइनस एफ बी, मतलब सेम फंक्शन में का डिफरेंस ले रखा है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है फंक्शन का, तो यू शुड थिंक ऑफ LMVD। तो ऐसे एक नोट करके लिख लो, याद रहेगा फिर। नोट वन, द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अभी जो भी दो नोट लिखवा रहा हूं ना मैं, उनकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, स्पेशली नेक्स्ट वाला पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी इन द क्वेश्चन may imply application of LMVD। कभी भी क्वेश्चन में हमें एफ ए माइनस एफ बी टाइप की चीज दिखाई दे तो
तो हमें एलएमवीटी का सोचना है एक बार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नोट है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनओटीई नोट वन। नोट टू, नोट टू क्या है पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाता हूं मैं, ठीक है। नोट टू है कि सम यूजिंग एलएमवीटी, यूजिंग एलएमवीटी सम इनइक्वालिटीज, नॉट ऑल, सम इनइक्वालिटीज, सम इनइक्वालिटीज कैन बी सॉल्व, बी सॉल्व कैसे, सुनना, यूजिंग एलएमवीटी सम इनइक्वालिटीज कैन बी सॉल्व। अब देखो, अब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट, फिर बताता हूं। इफ सी इज नॉट प्रेजेंट, ऑफकोर्स इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, इफ सी इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन इनइक्वालिटी देन मे बी, देन मे बी मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, मोनोटोनोसिटी ऑफ एफ डैश एक्स कैन बी यूज, ठीक है ना। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं, दैट इज एफ डैश सी कैन बी रिलेटेड, कैन बी रिलेटेड, कैन बी रिलेटेड विथ एफ डैश ए एंड एफ डैश बी यूजिंग मोनोटोनिक नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, यूजिंग मोनोटोनिक, मोनोटोनिक नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे तुम्हें इनइक्वालिटी आएगा क्वेश्चन, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बट फिर भी एक बार सुन लिया कि कोई इनइक्वालिटी दिया तो मैं प्रूव करना है कि लेट्स से दिस माइनस दिस इज लेस देन इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहला एक तो ये चीज काम आएगी कि भाई अगर एफ ए माइनस एफ बी टाइप की कुछ चीज दिखाई दी तो हमें एलएमवीटी का सोचना है। दूसरी चीज कि अब देखो जैसे सी, इधर सी हमारा एलएमवीटी में तो सी आता है बट इनइक्वालिटी में ऑफकोर्स सी नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कि जो एफ डैश एक्स है ना, हम देखो हमें पता है कि हम एलएमवीटी ए कॉमा बी में लगा रहे हैं, तो ए इज लेस देन बी, तो जो हमारा सी होगा वो ए और बी के बीच में आएगा ऑफकोर्स। अच्छा अब इसने क्या लिखा कि जो इनइक्वालिटी वाली चीज है ना वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे, जैसे मैंने पहले फंक्शन मान लिया फिर मेरे को इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कैसे करूंगा मैं, कि अब हमें पता होगा कि जो हमारा सी है वो बी और ए के बीच में, अब उसने बोला कि हम एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर मान लो इफ एफ डैश एक्स अगर मान लो डिक्रीजिंग आता है तो मैं ये क्या हो जाएगा, एफ डैश अगर मैंने इसमें एफ डैश ले लिया तो ये हो जाएगा एफ डैश ए इज ग्रेटर देन एफ डैश सी इज ग्रेटर देन एफ डैश बी, डिक्रीजिंग आया तो एफ ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज एफ ए लेस देन एफ बी, तो वही चीज मैं लगा रहा हूं। अब इधर जो एफ डैश सी आया ना तुम्हारा, इसको हम अपने उससे रिप्लेस कर देंगे, कौन से एफ डैश सी को कैसे लिखते हैं एलएमवीटी में, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो इससे क्या होगा हमारा सी गायब हो जाएगा, सी को उसमें दिया नहीं होगा इनइक्वालिटी में, तो उसी टाइप की चीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये वाले पॉइंट में अभी क्लियरिटी उतनी नहीं आई होगी, ठीक है, कुछ बच्चों को आ भी गई होगी और जिनको नहीं आई उनको भी आ जाएगी 100% एक दो क्वेश्चन करने के बाद, हम इसके बाद इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन लेने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट कॉपी दिस और उसको समझो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो मैंने बोला और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लिखो लेट, लेट अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीट अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन जीरो एंड ऑफ कोर्स अल्फा इज लेस देन बीटा, देन प्रूव दैट। अब देखना खुद से ट्राई करना पहले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सीखोगे, वही नोट का यूज करके, पहले जो अभी दो नोट लिखवाए उन्हीं का यूज करके ट्राई टू प्रूव दिस, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दिस। तो कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू थिंक कि इसमें एलएमवीटी लगेगा, बहुत बड़ी हिंट बीच में दे रखी है, क्या दे रखी है, इट इज समथिंग लाइक एफ बी माइनस एफ ए टाइप की चीज है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए वेयर माई फंक्शन इज tan इनवर्स x। अच्छा अब वो चीज दिख गई तो b माइनस ए भी दिख रहा है, b माइनस ए भी दिख रहा है, एफ बी माइनस एफ भी दिख गया, बी ए माइनस
बी माइनस ए भी दिख गया तो 90% है कि एलएमवीटी, 99% ही है कि एलएमवीटी लगी रहा होगा। और दूसरी बात, एक और चीज कि अगर मैंने एफ एक्स को टेन इनवर्स एक्स माना तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², तो देखो 1/1 β² टाइप की चीज दिखाई दे रही है। तो मतलब टर्म्स रीअरेंज करके उस टाइप की चीज जनरेट होगी। तो कैसे स्टार्ट करें, हम मानेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसके ऊपर हम एलएमवीटी लगाएंगे इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, इसके ऊपर लगाएंगे तो उससे पहले बताना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है डिफरेंशियबल है। तो वो तो हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स तो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशियबल भी होता है थ्रू आउट द डोमेन। तो हम तो किसी भी इंटरवल में लगा सकते हैं टेन इनवर्स एक्स के ऊपर तो एलएमवीटी कभी भी। तो मैं क्या लगा रहा हूं, अप्लाइंग एलएमवीटी ऑन एफ एक्स इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। ऑफ कोर्स अल्फा लेस देन बीटा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, अल्फा पहले लिखा बीटा बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी मतलब एफ बीटा माइनस एफ ए मतलब एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इस चीज को हमने रखा था, अब मैंने क्या बोला था कि अब हम एफ डैश एक्स की मोनोटोनोसिटी यूज करेंगे। तो पहले तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, भाई आ क्या रहा है, तो एफ डैश एक्स मेरा आ जाएगा 1/1 + x², ठीक है। अब ये मोनोटोनिसिटी देखना, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर देखना है। एक तो ऑब्जर्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है, कोई भी बता देगा कि भाई एक्स बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर पक्का बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फिर भी नहीं तो मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो क्या करो, इसका डबल डेरिवेटिव देख लो एफ डबल डैश एक्स। ऑफकोर्स इसी इंटरवल में देखना है, एक मिनट, हाँ, अल्फा कॉमा बीटा दोनों जीरो से बड़े हैं ना, इसका मतलब हम एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ही बात कर रहे हैं टेन इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये -1/1 + x² × 2x। अब दिख रहा है फॉर एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा ग्रेटर देन जीरो है ना, और अल्फा और बीटा के बीच में हम लगा रहे हैं फॉर दिस फंक्शन, तो हमें पॉजिटिव एक्स के लिए देखना है। तो नाउ यू कैन सी एफ डबल डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स का। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे ही बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पता चल गया एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मैं ये चीज ले रहा हूं कि मैंने बोला सी जो है वो मेरा बीटा और अल्फा के बीच में था, सी इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब मैं इसमें एफ डैश ले रहा हूं, तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर एफ डैश अल्फा साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज बिकॉज एफ डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ डैश सी इज लेस देन, सॉरी एक जगह कर दिया, ग्रेटर देन एफ डैश बीटा। अब दिख गया, अब चमक गया होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को। एफ डैश अल्फा क्या लिखूं मैं, एफ डैश एक्स इज 1/1 + x², तो एफ डैश अल्फा क्या होगा, 1/1 + α² इज ग्रेटर देन, बीच वाले पार्ट पे आते हैं, इधर लिख लेते हैं पहले, एफ डैश बीटा इज 1/1 β² 1/1 β². अब एफ डैश सी, अब एफ डैश सी एलएमवीटी वाला उठा के रख दो इधर, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फा, डन, क्वेश्चन खत्म। वही तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब उसने बोला दिस इज लेस देन 1 + α 1/1। अच्छा एक मिनट, उससे पहले मुझे हाँ बीटा माइनस अल्फा को लेके जाना पड़ेगा, एंड हमने जैसे अप्लाई किया है एलएमवीटी ओवर द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, वैसे भी इधर से दिख रहा है, तो बीटा माइनस अल्फा से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करो यू विल बी रिजल्ट इन दिस आंसर, हेंस प्रूव्ड। आई होप अब क्लियर हुआ होगा वो नोट जो मैं उधर लिखवाया था, मैंने उधर बोला था कुछ बच्चों को मे भी नहीं क्लिक हुआ हो, उतना अच्छी फील नहीं आएगी, लेकिन अब फील आ जानी चाहिए, और इससे भी ज्यादा फील आ जाएगी अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो। वैसे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन उस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एओडी की शीट करनी है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा था कि फ्रॉम 19 आई विल नॉट बी हियर, सो मैं तुम लोगों को वर्क देके जाऊंगा। तो अपना टारगेट ये रहेगा, जैसे तुम्हारे जो राउंड्स हैं वो 27 से 28 से, जो भी 27 है जैसे चाहता था, मुझे याद है। तो उसमें और पहला चैप्टर आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसा कुछ तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज है, या फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कुछ तो एक है चैप्टर है, वो तुम्हें स्केड्यूल मिल जाएगा जल्दी से जल्दी।
तो उस चैप्टर को तो 3 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे हम. बिफोर दैट 24th तक योर टारगेट शुड बी यू शुड कंप्लीट द अरिहंत टीपीपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये तो हर साल यही होता है कि आखिरी का टॉपिक जो रहता है उसकी बच्चे लोग डिशेट नहीं कर पाते, ठीक है ना, फिर वो वीक ही रह जाता है. तो वीक हमें वीक रखना नहीं है, अब तक इतना अच्छा किया है तो अभी अब इसको क्यों वीक रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एओडी, ठीक है. तो माय सजेशन विल बी कि 24th या 23 तक यू शुड कंप्लीट द एओडी का डीपीपी. उसके बाद फिर तुम अपना हिसाब से, मतलब मैं वो भी स्केड्यूल देके जाऊंगा कब क्या कैसे तैयारी करनी है. बट जो नहीं आ रहा है उन, जैसे जो आ रहे हैं उन लोगों को तो मैं गाइड कर सकता हूँ स्कूल में, जो नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ 23-24 तक तो तुम लोग यही करना, एओडी पे फोकस रखना. उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, मतलब जो भी तुम्हारा स्केड्यूल बनेगा उसके हिसाब से फिर 3 दिन पहले से तैयारी करना, ठीक है ना. बट एओडी को छोड़ना नहीं है, ऑफकोर्स 23-24 तक कंप्लीट करके रखना टारगेट शीट का. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब इसने क्वेश्चन दिया, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन प्रूव दैट ln of 1+1/x इज लेस देन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है ना. ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया. अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले किया भी मोनोटोनोसिटी में, याद है कुछ, कि अगर मान लो मुझे प्रूफ करना है fx is less than gx, तो हम क्या करते थे, fx minus gx की मिनिमम वैल्यू अगर हमने प्रूफ कर दी पॉजिटिव है तो प्रूफ हो जाएगा, एक तरीका तो वो है. बट अभी हम इसको LMVD से प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. यू कैन ट्राई विद दैट मेथड ऑल्सो, 100% आएगा, ठीक है ना. नहीं आता है तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, बट अभी के लिए वी हैव टू यूज LMVD. अच्छा, तो LMVD के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था मेरा कि FB-FA टाइप की चीज दिखाई देनी चाहिए. तो एट प्रेजेंट मोमेंट जो इक्वालिटी थी उसमें दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ, FB-FA दिख नहीं रहा. बट थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, एक प्रॉपर्टी, तो तुम्हें चमकने लगेगा. कैसे, अब देखो मैंने इसको क्या किया, LCM लिया, तो ln ऑफ LCM लूंगा तो क्या आएगा, 1+x/x. फिर मैंने ln की प्रॉपर्टी लगाई, ln ऑफ a/b इज ln a - ln b, तो ये मिल गया ln ऑफ 1+x - ln x इज लेस देन 1/x. वो और ये एग्जैक्टली सेम लिखा है. अब इधर से देख के मुझे क्लिक कर रहा है कि ये f ऑफ b हो जाएगा, ये मेरा f ऑफ a हो जाएगा, तो FB-FA. इसका मतलब मैं फंक्शन क्या ले लूं, lnx ले लेता हूं और उसके ऊपर मैं LMVD लगा देता हूं इन द इंटरवल x, x+1, क्योंकि a से b लगाते हैं. a का काम मेरा कौन कर रहा है, x, और b का मेरा काम कौन कर रहा है, 1+x. तो मैंने बोला let f(x) = lnx, ठीक है. फिर मैंने बोला अप्लाइंग LMVD on lnx, या फिर on fx लिख लो इधर, on fx in the interval, देखना इंटरवल कैसे डिसाइड हुआ, एक्सप्रेशन देख के, FB-FA देख के, अप्लाइंग LMVD on fx इन द इंटरवल x, x+1. ऑफकोर्स x+1 बड़ा होगा x से, 1 यूनिट ज्यादा है, तो हम a से b लिख रहे हैं, तो x to x+1 आ गया. अब इस इंटरवल में लगा देते हैं, तो उससे पहले मुझे f'x की जरूरत पड़ेगी, तो इधर मैंने लिख दिया f'x = 1/x. अब ये तो दिख रहा है क्लियरली, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, फॉर x पॉजिटिव दिस इज डिक्रीजिंग, तो f'x मेरा डिक्रीजिंग है, f'x जो मेरा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f'x की मोनोटोनोसिटी यूज होगी. कैसे, तो पहले तो मैंने इस पे LMVD लगाया, तो I'll say कि f'c will be equals to f(b - f)a / b-a, तो f'c कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दिया 2 मिनट के लिए, f(b) इज ln of 1 plus x - f(a) is ln x / b - a, तो x+1 - x, तो ये कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट आउट विद ln of 1 plus x - ln x, विच इज कैन फर्दर बी रिटर्न एज ln of 1 plus x/x, मतलब 1+1/x. ये और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है. अब मैंने बोला कि जो हमारा c है दैट इज एक्चुअली लेस देन x+1 and greater than x, इसी इंटरवल में लगाया हमने, तो अब f' इज डिक्रीजिंग, तो मैं क्या लगाऊंगा, 1 मिनट, ठीक है. तो इसमें मैंने f' ले लिया, तो f' of x is greater than f' of c, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया बिकॉज f' इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो दिस इज लेस देन f' of x+1. अब इस f' c की जगह यू कैन राइट दिस थिंग, हैंस प्रूफ, देखो यही बोला है उसने, f' x क्या होगा, 1/x ना, दिस इज 1/x, तो ये अब देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये चीज इसके बीच में लाई कर रही है, तो हमें तो उसने एक ही पार्ट पूछा है, इधर से ग्रेटर देन वाला पूछा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही पार्ट बोलेंगे बस. तो क्या हो गया,
एफ डैश एक्स मैंने वो उठा के इधर रखा, तो एल एन ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स, और ये बोल रहे लेस देन एफ डैश एक्स मतलब वन बाय एक्स। देखो हेंस प्रूफ डन। अब पक्के से फील आ गई होगी, आई होप सभी को फील आनी चाहिए अब तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉपी करो एक एक स्टेप, बहुत इजी होता है एक्चुअली एलएमबीटी, और ये ना थोड़ा शुरू में डर लगता है लेकिन एक बार फील आ जाएगी ना तो क्वेश्चन बनेगा इसका। वैसे मेरा टारगेट था आज एडवांस के एक दो क्वेश्चन लेने का, बट मैंने ऐड नहीं कर पाया, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ऐड, ठीक है ना। लेटेस्ट है 2018 का एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत हार्ड था वो, ठीक है ना, तो उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐड करूंगा। चलो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स, इसने फंक्शन ही दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो कम मेहनत लगेगी। देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, वन अपॉन एम प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एम प्लस वन इज लेस देन एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ एम इज लेस देन वन अपॉन एम एल एन एम। ये तो काफी हद तक पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है, और फॉर एम ग्रेटर देन ई, ठीक है ना, यू हैव टू प्रूव दिस फॉर एम ग्रेटर देन ई। तो इसमें तो सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है, जो भी मुझे प्रूफ करना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो मेरा फंक्शन भी दे दिया इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। और ए और बी क्या हो जाएंगे मेरे, अब दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज बी एफ बी और दिस इज ए माइनस एफ ए, तब क्या करूं एफ एक्स के ऊपर एल एम बी टी लगाता हूं इन द इंटरवल एम कॉमा एम प्लस वन। तो अप्लाइंग एल एम बी टी, अप्लाइंग एल एम बी टी, एल एम बी टी ऑन एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स इन द, ये एल एन एक्स जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, एल एन इंटू नहीं है, एल एन ऑफ एल एन एक्स है, इन द इंटरवेल, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड, सम सॉरी फॉर समवन वाज देयर, ठीक है, हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला अप्लाइंग एल एम बी टी ऑन दिस इन द इंटरवेल, इन द इंटरवेल, हाँ क्या बोला था मैंने, कहा थे हम, हाँ बी हमारा एम प्लस वन है और ये एम है, तो इन द इंटरवेल एम कॉमा एम प्लस वन, इस इंटरवेल के अंदर हम एल एम बी टी लगा देते हैं। तो करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ ए एम डिवाइड बाई बी माइनस है, तो एम प्लस वन माइनस एम। अच्छा अब मैं देख लेता हूँ फंक्शन एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी, तो पहले तो मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आया, वन अपॉन एल एन एक्स, बाहर वाले एल एन एक्स का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल से अंदर वाले का वन अपॉन एक्स। अब क्लियरली दिख रहा है ये एक्स बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, क्योंकि x भी इंक्रीजिंग है, ln x भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होता है 1 अपॉन इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, तो f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे पता है कि अगर c जो है, हमें पता है कि इसके ऊपर लगाया हमने LMBT, तो c जो है वो मेरा m प्लस वन और m के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं f डैश लूंगा तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ m सिंस f इज डिक्रीजिंग इस ग्रेट, देखो अभी हमने जितने भी तीनों क्वेश्चन किए उसमें f डैश डिक्रीजिंग आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग ही होता रहा, ऐसा कोई लॉजिक मत लगा देना। तो दिस इज एफ डैश सी इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ एम प्लस वन, अब उठा के रख दो ये चीज तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। और एफ डैश एम क्या रखोगे, वन अपॉन एम एल एन एम, वन अपॉन एम एल एन एम, ये आ जाएगा इधर। और एफ डैश एम प्लस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एम प्लस वन एल एन एम प्लस वन, तो यू विल सी कि दिस विल कन्वर्ट इट टू दैट थिंग, गेटिंग इट। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है, तो हमारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और एलएमबीटी भी खत्म हो जाएगा, और कल हम फिर करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट।
अब ऐसे बहुत कम बचा है तुम्हारा। अब देखो मेरा टारगेट क्या है तुम लोगों का, जैसे आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मंडे ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक लेक्चर उसके ऊपर देना है, वैसे मैंने तुम्हें बोला भी था लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना, वो कोन वगैरह वाले, कोन के अंदर सिलेंडर रखा तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बोलते हैं उनको, वर्ड प्रॉब्लम। तो उस पे आई विल टेक वन लेक्चर ऑन आई थिंक मंडे या ट्यूसडे, जैसा भी होगा। और एक लेक्चर मुझे रेट चेंज पे भी लेना है, रेट चेंज पे लेक्चर नहीं लूंगा, उसमें दो चार क्वेश्चन कराने मुझे रेट चेंज पे, एक वो और एक लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो मोर और लेस ट्यूसडे को हमारा पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म तो सैटरडे को ही हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एडिशनल है एक तरीके से, ऐसा बोल लो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, ओके एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू सच दैट जीरो इज लेस देन एक्स टू, एक्स टू इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन बी, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे हम ये चीज तो हम यूज करते हैं, बट अभी हमें प्रूव करना है क्या उसने बोला एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग है, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो x1 x2 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो इसे प्रूव करने वाली बात क्या है, तो हम इसको LMVT से प्रूव करेंगे, ये दिस इज वी नो बट वी हैव टू प्रूव इट यूजिंग LMVT। तो क्या करेंगे, हमें fx के ऊपर अप्लाइंग LMVT ऑन fx इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, अब x1 बड़ा दे रखा है x2 से, तो मैं इंटरवल कैसे लिखूंगा, x2 कॉमा x1। अब जल्दी जल्दी में x1 कॉमा x2 मत लिखना, बिकॉज़ जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं, सिंस x2 इज लेस देन x1, तो आई एम राइटिंग x2 कॉमा x1, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे को एक f डैश मिल जाएगा, f डैश c मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब fx1 माइनस fx2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। अब हमें पता है कि उसने बोला है कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो इससे मिल गया मुझे, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये चीज इसके बराबर है। अब एक्स वन माइनस एक्स टू पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, दैट मीन्स न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इससे प्रूफ क्या हो गया, एफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, वही मुझे प्रूफ करना था। अफकोर्स इक्वालिटी भी नहीं आएगी, एक मिनट इक्वालिटी नहीं, एक्स वन एक्स टू तो इक्वालिटी हटा देते हैं, तो ये चीज हमारी यहां से प्रूफ हो गई, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना, LMVT के ऊपर जैसे कि हर बार देता है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए लिख लो। क्वेश्चन है, लिखो होमवर्क क्वेश्चन, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम 2,7 से लेके 0,∞ बी अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन, बी अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन, देन शो दैट f of 7 minus f of 2 whole, और ब्रैकेट में लिखा है f of 7 का स्क्वायर प्लस f of 2 का स्क्वायर प्लस f of 2 into f of 7 whole divided by 3 is equal to 5 times f square c into f dash c, where c belongs to, this is c that belongs to 2,7, ठीक है ना। करना मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि छोटी सी हिंट क्या मतलब, एक बार एक स्टेप है उसका सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो आस्क मी, ओके बच्चों, ओके दैट्स इट फॉर LMVT। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला एडवांस का मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता हूं, ओके, थैंक यू।